पहले हमारा राम जी ने, फिर हरीश जी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इस कारण से मेरा राम जी को लाया गया जा रहा है, उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। चतुर्वेदी साहब, आज पार्टी में शामिल होने वाले मेरे साथ में और अन्य जगहों से पधारे हुए नेताओं की भारी भीड़ और यहाँ विराजमान सभी मीडिया कर्मियों को अभिवादन करता हूँ। मेरा सौभाग्य मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है, मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में इस पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में डबल टिक किए, अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं और प्रदेश की अनेक देश की अनेक समस्याओं का सरलीकरण और सामान्यीकरण किया है। ऐसी पार्टी में कोई भी क्यों नहीं आना चाहेगा। कांग्रेस की परिस्थितियां आज बिल्कुल निराशाजनक है, शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल नशे में है। हमारे पूर्व अध्यक्ष यात्रा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चुनाव में क्या हो रहा है। यहाँ जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है उसका कोई आंकलन नहीं है और अलवर जिले का जो नेतृत्व है वो तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी में लोगों का दम घुट रहा था। इसी कारण आप भाई हमारे वरिष्ठ साथी अलवर जिले के कद्दावर नेता माननीय दशवंत यादव जी, माननीय रामहेत यादव जी के साथ हम सब लोग आपको ज्वाइन करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, अब भी एक भारी भीड़ यहाँ है जिनको ज्वाइन करना है। आपके इस दुपट्टे, इस भगवान दुपट्टे के लिए अब सब लालायित है। मैं समझता हूँ कि आपको मैं माननीय राजेंद्र यादव जो डबल ए जी रहे हाईकोर्ट के, माननीय कुसुम यादव जो संसद बोर्ड के चेयरमैन रही हैं, प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के मेंबर रही हैं, माननीय मधु लोहिया सोंगरा और अन्य जो बचे हुए लोग हैं, माननीय मनोज यादव जी, माननीय गौतम यादव जी, छिल्लर साहब हमारे बहुत कद्दावर नेता हैं और आज उन्होंने जिला प्रमुख होते हुए हमारे साथ में जोड़ा है। मेरे साथ शिक्षाविद माननीय बी एल वर्मा साहब जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, माननीय जे पी यादव साहब जो कोटा के मदरसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, माननीय नीलम जी जो बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, मेरे साथ ही अभी अस्पताल के अंदर ऑपरेशन हुआ उनका, वो भी आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कोटा के प्राचार्य थे तो अस्पताल में लेकर उन्होंने अपना ज्वाइनिंग पत्र भेजा है। मेरे साथ लोगों की मौजूदगी में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मजबूत पार्टी को राठौर साहब और मजबूत बनाए, 400 बार के सपने को पूरा करेंगे और आपके जो 25 है वो 25 के 25 सीटें देंगे और उसमें सबसे ज्यादा अग्रणी स्थिति में हासिल होगा। इसी आपसे अध्यक्ष जी से, राठौर साहब से, चतुर्वेदी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि हमको आप आम बात की जनता का पार्टी का कार्यकर्ता समझे, शरणार्थी नहीं समझे, मान सम्मान दे और उनको मानसिकता देते हैं। धन्यवाद। बाद में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैरोड पंचायत समिति के प्रधान भाई बसीराम जी के नेतृत्व में 20 25 सरपंच साहिबान यहाँ आए हैं।
वो भी आकर के अपना दुपट्टा मान के राठौर साहब से जोशी साहब से ग्रहण करें। आप पार्टी के लोग दिनेश जी तो कोटा के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ समाज के देश भर के महामंत्री हैं। अनुराग जी आप पार्टी छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं।